आज मम्मी नहीं, नहीं है भाई मैं खाली पेट में दर्द हो रहा है। ब्रेड के पकोड़े खाए थे ना, वो हजम नहीं हुए। बस सो भाई मम्मी अभी छुप रही है क्योंकि भाई पापा जा रहा आगे से रोड। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो भाई अभी आया था जस्ट शॉप पे से, और शॉप पे से आके भाई आज मैंने कल बाइक है ना, कल बाइक वॉश करवा के लेके आया था, और भाई मैंने बिल्कुल वो पॉलिश वगैरह मार के एकदम चमका के खड़ी कर दी थी। तो भाई आज का सीन पता क्या हुआ? सो बाइक लेके गया शॉप पे जाके खड़ी करी थी, और भाई इतनी देर में मौसम चेंज होगा, चेंज थोड़ा थोड़ा बारिश हो गई, और बाइक का बुरा हाल हो गया भाई। सारी की मेहनत है और भाई वॉश करवाने गया वेस्ट गया। सो अभी देखते हैं भाई, अब अगर आज का सीन ही है कि भाई थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर कुछ प्लान बनेगा तो शायद हो सकता है आज मोटो व्लॉग हो। या अभी मैं चाय पी लेता हूँ, मम्मी चाय बना रही है, चाय पी के फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं। अभी थोड़ी बहुत बारिश रुक जाए, वैसे बारिश हो रही है, बारिश में तो कहाँ जाएंगे। सो देखते हैं बारिश रुकती है ना, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे। तो तब तक चाय पी के फिर मिलते हैं बाद में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो भाई अभी एक बार चाय तो बनी नहीं, मम्मी बोल रही चाय बनने में टाइम लगेगा। तो मम्मी वो बोल रही है ब्रेड के पकोड़े खाने का जी कर रहा है, तो मैंने बोला चल ठीक है मैं ले आता हूँ मार्केट जाके। सो अभी बारिश तो आ रही है, बट कोई नहीं भीग लेंगे। मम्मी बोल रही लेके भूख लग रही है चोर की, तो अभी चलते हैं ब्रेड पकौड़े लेने बिग बास्केट में मिलेंगे। सो अभी निकलते हैं हम, और मौसम दिखाऊँ भाई कितना तगड़ा हो रखा भाई, जैनवान मौसम हो चुका भाई, बाहर घूमने वाला मौसम हो रखा। दिखाता हूँ एक बार, मौसम चेक करो भाई, तुम चेक करो भाई कि तगड़ा मौसम हो रखा है। दिख रहा भाई जोर का मौसम हो रखा है, जोर का भाई। तो भाई आ गया था ब्रेड पकौड़े लेके, और चाय वगैरह पी ली और खा लिए भाई, मस्त पेट भर का, मज़े आ गए भाई। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने में, ब्रेड पकौड़े पनीर वाले थे, मम्मी ने पनीर वाले लेके आई, मैं ठीक है पनीर वाले लेके आऊँगा। सो अभी भाई बाहर जाने की सोच रहा हूँ, तो भाई बारिश आ रखी है जोर की, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो भाई देखते हैं भाई, बारिश रुक जाए तो चलते हैं, फिर छोटी सी राइड करके आएंगे। आशू के पास जाऊँगा, उसका कॉल तो आया था, बोलो घर पे आ जाइयो तो काम है कुछ, तो उसके पास चलेंगे, वो बोल तो रहा था। तो अगर बारिश रुके ना तभी तो जाऊँगा यार बाहर, और वैसे भी गोप्रो बिक जाएगा अगर बारिश में, गोप्रो खराब हो सकता है भाई, गोप्रो भी टेंशन ज़्यादा रहेगी, पानी बढ़ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रखी है भाई बारिश, मैं बाहर गया, मैं उल्टा वापस ही आके मैं बाइक निकाल रहा था, एक बार रुक गई थी बारिश, धीरे धीरे हो गई थी, तो मैं सोचा चला जाऊँगा, तो मैं वापस ही आके फिर वह गया ही नहीं वापस, तो रुक जाती है फिर चलते हैं। 2000 years later. सो भाई अब मैं अभी सो गया था, मैंने बोला था ना वहाँ पे जाएंगे, तो भाई सारा प्लान चौपट हो गया था, जाने वाले थे, तो भाई बारिश आने लग रही, बारिश रुक नहीं रही यार, पता नहीं यार कब रुकेगी बारिश, और फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर वैसे बाहर मैं निकल पाऊँगा। तो बस हो गया था मैं वेट करते करते, मम्मी से बोल दिया था मैंने कि मम्मी उठा दिया मेरे को, कब कब बारिश रुके, बट बारिश यार तब से कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही है बारिश। आज तो यार सारा सीन ख़राब हो गया, तो आज व्लॉग भी नहीं बना पाए, छोटा सा ही व्लॉग बना पाए। तो और भाई एक चीज़ मैं बताने भूल गया, क्योंकि आज हमारा राइड का प्लान था, हम जाने वाले थे झुंझुनू साइड, 70 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से झुंझुनू 47 से, तो आज वहाँ जाने वाले थे। तो भाई सुबह आज का कॉल आने वाला झुंझुनू चलना है, तो पहले डिसाइड हो गया था मैंने चल ठीक है चल लेंगे, तो फिर उसका कॉल ही नहीं आया, तो वो राइड भी कैंसिल हो गई। और गाइज एक चीज़ और बताना भाई, कमेंट करके बताना संडे राइड करूँ या नहीं करूँ, कल संडे राइड है, हो सकता है मैं जाऊँ सोलो राइड करेंगे, या एक दो फ्रेंड है उनसे पूछूँगा भाई वो राइड पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो जैसा भी होगा सोलो होगी तो सोलो आपको पता चल जाएगी, तो दिख जाएगी जैसी भी होगी। तो ये मैं सोच रहा हूँ भाई कम से कम है ना 100 या 120 किलोमीटर की कम से कम संडे राइड करके आऊँ। सो भाई दिख रहा है तब से बारिश होने लग रही है, रुक ही नहीं रही भाई, रुकने का नाम ही नहीं रही, पता नहीं यार कब रुकेगी। आज सारा मूड ख़राब कर दिया बारिश ने, पहले तो ऐसे मूड ख़राब कर दिया, सुबह वाली राइड कैंसिल हो गई, और फिर मैं बाइक पे मतलब वॉश वगैरह कर ला ना, बिल्कुल कन्फर्म हो गई थी भाई हम झुंझुनू जाएंगे, तो फिर मैं ना बाइक वगैरह वॉश करवा के ले आया था मैं जाके, और भाई बिल्कुल पॉलिश वगैरह मार मूर के एकदम चमका के रेडी खड़ी कर दी थी। सो फिर भाई सुबह पता चला भाई राइड ही कैंसिल हो गई, सो फिर मैंने बोला आशू को मैं भाई तू ऐसे प्लान बनाता क्यों है जो सक्सेसफुल नहीं होते, तो मेरा तब का व्लॉग रह गया था, मैं तो मेरे व्लॉग खातर जा रहा था, काम तो उसको आशू का था, मैंने सोचा मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और राइड भी हो जाएगी छोटी सी, तो इसलिए मैंने उसको हाँ बोल दिया चल मैं ठीक है चल लूँगा और मैं व्लॉग वगैरह बना लूँगा, तो फिर उसने एंड टाइम पर मना कर दिया। सो सैड गाइज। और दूसरा फिर मेरा मूड ख़राब कब हुआ, तब मैं शॉप पे गया, मेरी बाइक खड़ी करी मैंने वहीं पे, और भाई एकदम से बारिश मतलब मौसम नहीं था बारिश आने का, तो एकदम से ही मौसम हो गया, मौसम चेंज होते ही भाई बारिश सारी भीग गई कीचड़ की,
ये तो सूख कर रहा है, मैंने घर पे आके अभी खड़ी कर दी, पूंछ वगैरह दी, और मम्मी बोल रही थी, फिर मम्मी भी चिल्लाने लगी, रोज बाइक धोवा के लेकर आता है और बारिश हो गई फिर खराब हो गई, तो क्या चलता रहता है ना, जा ही कौन रहे हो मेरे बेरो, ना जाओगे ना जावा है, हो ही रहे हो है, मौसम खराब हो गया। खराब हो रहा भाई मौसम, तो भाई मम्मी भी बोल रही कि भाई आज पूरा, गाइस हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज मम्मी नहीं नहीं है भाई, खाली पेट में दर्द हो रहा है, ब्रेड के पकोड़े खाए थे ना वो हजम नहीं हुए मम्मी को, मेरे तो मेरा भी नहीं हो रहा, मेरा भी हल्का हल्का हो रहा है भाई, मतलब भूख की ना तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो जो पेट में दर्द हो रहा अभी। तू अभी पता क्या बना ले मम्मी, तू बना ले आलू के परांठे बना ले, काफ़ी दिनों का खाए, मौसम बढ़िया है, आलू को परांठे खाने का मन कर रहा है, क्योंकि भाई बारिश में ऐसा ही चटपटा खाने को मन करता है, और आलू परांठे खाए भाई, आलू के परांठे ना भाई काफ़ी दिनों के खाए थे, तो बोल रहा हूँ मैं तो मम्मी को आलू के परांठे बना ले, और भाई मस्त मजे आएंगे खाने में। सो भाई मम्मी अभी छुप रही है क्योंकि भाई पापा जा रहा आगे से रोड पे से, यू बोल रही कि खाट पर बैठी मम्मी को बोलेगा, तो भाई मम्मी पूछ रही है भाई किस चीज़ की चटनी बनाऊँ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई के मम्मी क्या बोली काचे रही चटनी के, काचे रही चटनी भाई, काचे रही चटनी अपन अच्छी को लगा है, सब्जी बना ले सब्जी अच्छी हो, काचे रही मीठी मीठी सब्जी हो, तो भाई मीठी सब्जी होती है काफ़ी बेस्ट लगती है कचोरी वाली, बोलना क्या बनाएगी मम्मी, अभी मम्मी कंफ्यूज हो रही है भाई क्या बनाए, क्या नहीं, बाजरे की रोटी और भाई बाजरे रोटी आलू परांठे बना ले, आलू परांठे बढ़िया लगे, कल तो बनाए, कल को नहीं बनाया, झूठ बोल रही है भाई, कल बनाए थे आलू परांठे, कल नहीं बनाए, बनाए था नहीं बनाए आसी है मम्मी ले भाई हंसिया, तो भाई आज भाई सारा मूड खराब हो रहा है भाई, क्या करें, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते यार बारिश ना, तो घर पे पड़े हैं भाई, घर पे भी लोग बना रहे हो, जो कुछ मन में आ रहा है वही बता रहा हूँ आपसे, शेयर कर रहा हूँ तो नींद तो आओगी, मैं क्या करूँ नींद 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 भाई, मैं एक घंटा थोड़ी सोया, आधा घंटा सोऊंगा, पाँच बजे चार बजे आके हाँ फिर सो, ब्रेड पकौड़ा खा के, तो मम्मी बोल रही भाई क्या करेगा क्या करेगा, एक घंटा तो सो लिया और क्या करेगा तू, मैं भाई नींद आ रही थी यार, मैं बारिश का वेट कर रहा था भाई कब बारिश रुके, बारिश तो रुकी नहीं और मैं सो गया सीधा, तो गाइस आज बुरा हुआ अपने साथ, सो बारिश ने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया अपने साथ, बट सही है यार काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, चलो ठीक है भाई बरसने तो दो तीन दिन बरस है फिर राइड पर निकलेंगे, और गाइस कॉमेंट करके जरूर बताना संडे राइड पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बताना गाइस अगर संडे राइड पे जाऊंगा तो भाई सीधी से बात है मोटो वो लोग देखने को मिलेगा भाई, काफ़ी मज़ेदार वो लोग होने वाला है, ये और बता देना भाई, सजेस्ट कर देना किस साइड जाना है संडे राइड पे, मतलब कौन सी जगह देखने चाह, मतलब अब एक गाइस एक चीज़ मेरे को बताना कि आप मोटो वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करोगे या डेली जो डेली लाइफ से रिलेटेड लोग होते हैं वो देखना पसंद करोगे, तो गाइस कॉमेंट करके जरूर बताना। सो भाई अभी जस्ट आया हूँ, बाहर चला गया था छत्ता वगैरह लेके, छत्ता लेके तो भाई बारिश तो रुक नहीं रही, तो मैं अब ऐसे ही छत्ता लेके बाहर चला गया था हिमांशु एक साथ, तो अभी आया हूँ घर पे जस्ट, तो भाई आज का व्लॉग इतना ही, होप करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन जरूर दबा दियो, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, सो टाटा बाय बाय।